जी, जब से कोरोना वायरस की वबा ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं पूरी दुनिया में, वहीं पे झेलम पुलिस मुतर्रक है, चौक चौराहों पे अलर्ट है। मगर इसी दौरान जराइम पेशा अनासर हैं जो उन्होंने अपना एक सिलसिला रवा रखा हुआ है। चोरी और डकैती की वारदातें जो है वो पिछले दिनों अरूज पर थीं, लेकिन DPO झेलम के नोटिस में आने से DPO झेलम की हदायत पर काला चौकी ने कार्रवाई की और 4 रुकनी डकैत गिरफ्तार किया, जिसमें माल मसरूका और असला भी बरामद किया गया। हम मजीद तफसीलात जानते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं DPO झेलम राना उमर फारूक। जी, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब से हुकूमत ने नई पॉलिसी का इजरा किया, उस हवाले से दफ़ा 144 के जब भी हमें को खिलाफ वर्जी नज़र आती है तो उसके खिलाफ़ हम FIR जो है वो लाजमन रजिस्टर कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि कुछ लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसी दुकानें जिनको हुकूमती पॉलिसी के तहत बंद करने का हुक्म है, वो भी इसका नाजायज़ या कह लें अपनी ही एक तशरीह करके उसको खोल रहे हैं। इनको भी हम साथ साथ बंद करवा रहे हैं और इनके खिलाफ़ FIR भी दे रहे हैं। और आपके तवस्सुल से मैं तमाम तरवाम से रिक्वेस्ट करूँगा कि हुकूमत ने जो भी पॉलिसी बनाई है, जो हुकूमत ने एक कानून पास किया है ये प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ के हवाले से, उसकी भी पासदारी की जाए। और अगर आप इसकी पासदारी नहीं करेंगे, SOPs कोरोना के हवाले से जो बताई गई हैं उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो हम फिर आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई और कानूनी चाराजोई भी करेंगे। सर, डकैत गैंग के हवाले से क्या कहेंगे कि कैसे साइंटिफिक तरीके से आपकी पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये एक गैंग था जो काफ़ी मुतहरिक था जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था। इन्होंने कुछ डकैती की वारदात की है जिनको हमने मोबाइल डाटा के ज़रिए ट्रेस करके इनको गिरफ़्तार कर लिया है और इनके कब्ज़े से असला जो कि ये वारदात में इस्तेमाल करते थे वो भी बरामद कर लिया। अभी मज़ीद तफ्तीश जारी है जिसमें उम्मीद है कि हमें इंशाल्लाह ये लूटी हुई रकम जो है वो भी मिलेगी और ये मज़ीद इंकशाफात भी करेंगे। जी बिल्कुल, जैसे DPO झेलम राना उमर फारूक साहब का कहना था कि मज़ीद तफ्तीश जारी है, तफ्तीश के मराहल के बाद इनसे और भी माल मसरूका बरामद होगा और जो चोरी और डकैती की वारदात हैं इसमें कमी लाने के लिए पूरा अज़म है। जी।